अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, ठीक हो? खैरियत से हो? अभी जी चिकन लेग्स को मैंने कट लगा के नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ सूखा धनिया, लेमन जूस, ये सब लगा के ग्रिल में हम रख लेते हैं। और जब तक लेग्स कुक होती हैं, ग्रिल होती हैं, हम नूडल्स, सुबह नाश्ते में नूडल और चीज़ एंड अनियन पास्टी खाएंगे जी। ये वैसे बेकरी से हम लाते हैं, फ्रेश, गरम गरम, मज़ेदार। अब वो काफ़ी महंगी हो चुकी है, बारिश हो रही है प्यारे भाइयों, और आइसक्रीम्स ले आई हूँ, फ्रीज़र में रखेंगे। एक दो दिन बाद फिर से गर्मी आ जाएगी। आज थोड़ा मौसम बेहतर है, ठंडा मौसम है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अभी जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो है आलू अंडे प्याज वाले, अनियन पोटैटो एग्स हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सिंपल रेसिपी। सबसे पहले मैंने ये फ़िश एक तवे पे गरम कर लिया, हेडेक फिलेट्स, और अभी एग, पांच एग हमने ले लिए, धनिया करियंडा चॉप कर लिया है, आलू इस तरह पतले पतले स्लाइसेस में मैंने काट लिए, और गार्लिक भी चॉप कर लिया है। इसके बाद अनियन फ्राई हो रहे हैं, अभी गार्लिक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह। और अभी आलू की अच्छी तरह बुनाई करनी है। जब तक आलू अच्छी तरह भुनना जाए हमने इनको भून लेना है। वन टीस्पून हल्दी, वन टेबलस्पून सूर मिर्च या हसबे जायका, नमक, नमक ध्यान से कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाद में हम और ऐड कर सकते हैं अगर हमें टेस्ट करेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा, अभी हाई फ्लेम पे तकरीबन जब तक आलू अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए हमने इनको कुक कर लेना है। और यहाँ पे जी आलू भुन चुके हैं, मैंने टेस्ट किया, नमक मुझे कम लगा था तो थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया, क्योंकि अभी हम एग भी ऐड करेंगे तो नमक कम हो जाएगा। अभी बिल्कुल लो फ्लेम है, मैं जल्दी से इसको एग्स को आलू में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि जो स्पाइसेस हैं, नमक मिर्च, वो अंडू में भी चला जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे हमने कुक कर लिया, रेडी हो चुका है जी अनियन पोटैटो एग्स। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। अभी हरा धनिया ऐड कर दिया है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। सिंपल, आसान, वेरी टेस्टी रेसिपी।